हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एमन जैन। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के मर्जर से। इस बैंक के मर्जर से अगर आप देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक आज लगभग 16-17% डाउन है और देना बैंक का जो स्टॉक है वो लगभग 10-15% अप है। तो इसका कारण यही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक बड़ी बैंक है, 113.45 के ऊपर इसका जो स्टॉक है वो क्लोजिंग दिया है और हाई 126 का था, 52 वीक लो 109 और हाई 206 का है। तो मर्ज होने के बाद जो विजया बैंक है, देना बैंक है, उनके भी जो एनपीएस है इस कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो जाएगा। अगर तीनों बैंक मर्ज हो जाती है, और लगभग गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है 4-5 महीने में ये टोटली होने वाला है, तो LIC के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर आया है और तीनों बैंक मर्ज हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर NPA अगर देखेंगे तीनों बैंक का मिलाकर कंबाइन NPA दिखेगा, तो उसी कारण शायद स्टॉक के अंदर प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेते हैं तो 100 रुपये के ऊपर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है। तो मीडियम टर्म में भी देखेंगे तो 130-135 का टारगेट लेकर आप 100 रुपये के करीब खरीद सकते हैं। तो ये भी बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। शॉर्ट टर्म में तो प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, मीडियम टर्म के नज़रिए से 100 रुपये के करीब ये स्टॉक ले सकते हैं। तो इसी के बारे में आज बताना था। लेकिन अगर आप देखेंगे, देना बैंक एक छोटी बैंक है, उसके भी काफ़ी सारे डेप्थ है, वो भी डेप्थ इस कंपनी के ऊपर आएंगे, और जो विजया बैंक है उसके भी इस बैंक के ऊपर आएंगे। तो तीनों का मिला के काफ़ी मीन्स डेप्थ भी बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ये कम हो सकता है, क्योंकि सब मिलकर काम करेंगे, ब्रांचेस काफ़ी हो जाएगी और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट बैंक हो जाएगी मर्जर के बाद। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है लॉन्ग टर्म का अगर देखेंगे, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में इन बैंक्स को फिर से ट्रैक पर आना चाहिए। तो यही कोशिश गवर्नमेंट की है और इसी कारण ये आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक मर्जर, NPA इंटीग्रेशन, यूनियन प्रोटेस्ट टू पोस्ट चैलेंजेस। तो शॉर्ट टर्म में तो प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन यही प्रेशर आपके लिए लॉन्ग टर्म के नज़र से लेने के लिए काफ़ी बेहतर है और अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। तो 100 रुपये के करीब मिलता है तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स उठा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।